22 नवंबर 1939 इटावा के एक छोटे से गांव सैफई में जन्मा एक बच्चा ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुआ जिसने सबको ये यकीन करने पर विवश कर दिया कि लाइफ एक पल में बदल सकती है। मैं यहां बात कर रही हूं मुलायम सिंह यादव की। वही मुलायम सिंह यादव जिन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बागडोर 3 बार संभाली और इतने चर्चित रहे कि शायद ही कोई होगा जो मुलायम को नहीं जानता हो। आज जानेंगे कि मुलायम की जिंदगी में वो कौन सा पल था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नाम मुलायम लेकिन काम एकदम उलट। दरअसल मुलायम सिंह यादव अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही खूब कसरत किया करते थे। 14-15 साल में ही उन्होंने पहलवानी शुरू कर दी थी। मुलायम भले ही कदकाठी में छोटे थे लेकिन उनके दांव पेच के आगे कुश्ती के धुरंधर खिलाड़ी चित हो जाया करते थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह के पिताजी जो पेशे से किसान थे वो अपने बेटे मुलायम को पहलवान बनाना चाहते थे, लिहाजा मुलायम पर ध्यान भी उसी तरह से दिया जाता था। उनको कमजोरी ना आए और कुश्ती के मैदान में वे अच्छे अच्छों को मात दे सके खूब दूध और घी खिलाया गया। 19-20 साल के होते होते मुलायम अच्छे पहलवान बन चुके थे। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि पहलवानों का सरस्वती यानी पढ़ाई से दूर दूर तक मतलब नहीं होता, लेकिन मुलायम के साथ ऐसा नहीं था। उनको पढ़ने में भी रुचि थी और उन्होंने पहलवानी के साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखा। आगे चलकर उन्होंने 3 डिग्रीज ली। मुलायम जब 22-23 साल के हुए तब वे पहलवानी में अपना खूब नाम कमा चुके थे। पर एक दिन आया जब कुश्ती के मैदान में मुलायम सिंह का आमना सामना एक बेहद लंबे और ताकतवर पहलवान से हुआ। ये वही कुश्ती है जिसने मुलायम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि 1962 में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। जसवंत नगर के एक गांव में एक बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस दंगल को देखने नथु सिंह वहां पहुंच गए। नथु सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे थे और अपनी किस्मत आजमा रहे थे। प्रतियोगिता में मुलायम सिंह ने धुरंधर पहलवान को अपने दांव से पस्त कर दिया। नथु सिंह मुलायम के दांव पेच से काफी प्रभावित हुए। बस यहीं से दोनों के बीच जान पहचान बढ़ गई। हालांकि मुलायम सिंह यादव कुश्ती के मैदान में जितना एक्टिव रहते थे उतना ही वे अपने करियर को लेकर भी संजीदा थे। वे मास्टरी की परीक्षा पास कर शिक्षक बन गए थे। पर नथु सिंह से कुश्ती के बाद मुलाकात से मुलायम ने राजनीति में रखा अपना पहला कदम। वो किसी पार्टी का हिस्सा तो नहीं बने पर उन्होंने समारोह में आमंत्रित किए जाने पर वहां जाना बेहतर समझा और उसमें भी काफी एक्टिव रहते थे। नथु सिंह को अपना गुरु मानते थे। 1967 तक सोशलिस्ट पार्टी में नथु सिंह का कद काफी बढ़ चुका था। उन्होंने ही अपने शिष्य मुलायम सिंह यादव को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया था। सियासी पंडितों को चौंकाते हुए मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लाखन सिंह यादव को पराजित कर दिया। बस फिर क्या था, यहां से मुलायम सिंह यादव राजनीतिक के शीर्ष की ओर बढ़ते गए। देखते देखते यूपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। लोग उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। वे साइकिल से दूर दूर तक निकल जाया करते थे और लोगों को अपने भाषण से मोहित कर दिया करते थे। वे 1989 में जनता दल के नेता के रूप में सीएम बने। फिर 1992 में जनता दल से अलग होने के बाद खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई और सिंबल साइकिल रखा। 1992 से 1993 तक और फिर 1903 से 1907 तक वो यूपी के सीएम रहे। न सिर्फ राज्य के नेता के रूप में उन्होंने काम किया बल्कि 1996 से 1998 तक देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव। ऐसे और मुलायम सिंह से रिलेटेड किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे।